दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहाँ लगभग हर एक धर्म के लोग रहते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, जिसके कारण भारत में ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं जो धर्म स्थान के साथ साथ टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुके हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ देवी की कृपा पर चमत्कारी काम होते हैं और बहुत सारे लोग ये सच भी मानते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं भारत की ऐसे कुछ चमत्कारी मंदिरों के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूं। नंबर वन, माँ रतनगढ़ वाली मंदिर। मध्य प्रदेश की रतनगढ़ माता की मंदिर एक घने जंगल में स्थित है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं ताकि माता की आशीर्वाद ले सके। माना जाता है कि यदि किसी को कोई जहरीले जीव जैसे सांप, छिपकली या फिर जिसके काटने से इंसान की जान जा सकते हैं, वो काट ले तो इस मंदिर की जमीन से जरा सा मिट्टी माता की नाम पर उस जगह पे बांध दिया जाता है, जिससे वो किसी भी चिकित्सा के बिना ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। माँ रतनगढ़ वाली की कहानी कुछ ऐसे है कि मुगलों के खिलाफ युद्ध के दौरान जब शिवाजी महाराज जंगल में भूखे प्यासे भटक रहे थे, तब एक कन्या ने उनके भोजन के लिए थाली लेकर आई थी। बाद में उनको पता चला कि वो कन्या साक्षात माँ जगदम्बा है। नंबर टू, काल भैरव की मंदिर। काल भैरव की मंदिर मध्य प्रदेश की उज्जैन शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। परंपरा के अनुसार यहाँ की प्रसादों के तौर पर भगवान को शराब चढ़ाई जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि शराब की ग्लास भगवान के मुंह में लगाते ही वो ग्लास खाली हो जाते हैं। यहाँ शराब के अलावा और कुछ भी नहीं चढ़ाए जाते। साइंटिस्ट ने बहुत बार ये छानबीन की है कि इतने सारे शराब कहाँ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं पता चला। वैसे इस मंदिर में शराब चढ़ाने की प्रथा 6000 साल पुराना है। नंबर थ्री, केदारनाथ की मंदिर। केदारनाथ भारत का एक बहुत ही मशहूर और चमत्कारी मंदिर है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि महाभारत की पांडवों द्वारा ये मंदिर को बनाया गया था। लोग मानते हैं कि इस मंदिर में कभी भी किसी भी परेशानी नहीं आती। साल 2013 की जुलाई में केदारनाथ में जो भारी बाढ़ आई थी, उससे लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन मंदिर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इतनी भारी बाढ़ में भी कुछ भी नहीं हुआ था, जो सच में ही बहुत ही चमत्कारी है। नंबर फोर, राम सेतु की पत्थर। पूरी दुनिया में सिर्फ राम सेतु एकमात्र जगह है जहां पत्थर भी पानी में तैरते हैं। रामायण की बानर सेना ने मिलकर जो ब्रिज बनाया था वो इसी पत्थर से बनाई गई थी। लोग मानते हैं कि भगवान राम की आशीर्वाद से इस पत्थर पानी में डूबता नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी बता नहीं पाए। आजकल तो लोग भारी कीमत में ये पत्थर बेचने भी लगे हैं, लेकिन सरकार ने अभी इसके ऊपर रोक लगा दी है। नंबर फाइव, महेंद्रपुर बालाजी मंदिर। राजस्थान के महेंद्रपुर की इस हनुमान मंदिर को बहुत ही जागृत माना जाता है। लोगों की मानना है कि यहाँ पर भगवान श्री बालाजी खुद विराजमान है और लोगों को संकटों से आजादी दिलाते हैं। भूत प्रेत या फिर कोई भी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम से पीड़ित लोगों की ये आखिरी उम्मीद है। यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को जंजीर में बांधा हुआ उल्टे लटकते देख सकते हैं। मंदिर से जुड़े ऐसे चमत्कारी बातों को लोग दिल से विश्वास करते हैं और साल भर यहाँ लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। नंबर सिक्स, करणी माता मंदिर। राजस्थान के बीकानेर में करणी माता मंदिर स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ बहुत सारे चूहा पाए जाते हैं। लोग यहाँ पर चूहे को मूषक देवता के रूप में पूजा करते हैं। यहाँ पर लोग पूजा देने के साथ साथ चूहे को फल, दूध, लड्डू यही सब खिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी बिल्ली नहीं है। इस मंदिर को बहुत ही जागृत माना जाता है। कहा जाता है कि एक समय जब प्लेग की बीमारी फैल गई थी, तब इस मंदिर के आसपास में बसे गांव बिल्कुल सुरक्षित थे। तो दोस्तों कैसे लगे हमारे वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस वीडियो की दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। इनमें से कौन सा मंदिर आपको सबसे चमत्कारी लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आसानी से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना। ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अनोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय।